बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ैन अली और आप देख रहे हैं ट्रू ब्रीडर्स और शहज़ादा एंटरटेनमेंट। व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि माँ एक ऐसा रिश्ता है कि जो दुनिया में आपके पास, मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि जो लोग काबा में नहीं जा सकते, हज उमरे की शहादत हासिल करने खाना काबा में नहीं जा सकते, वो ज़रूर जिनकी माए ज़िंदा है उनके साथ अपनी अकीदत, प्यार और मोहब्बत का इजहार करें और उनको ही अपना इस दुनिया में सब कुछ जाने। परवरदिगार के बाद माँ ही खुदा है, मैं ये समझता हूँ, जिसने आपको बड़ी तकलीफ़ों के बाद ना तो सिर्फ पैदा किया बल्कि आपको जिस मुकाम पे भी हैं, दुनिया के तमाम तर वो नामवर लोग, चाहे वो कोई स्टार है, चाहे वो कोई मुफक्कर है, चाहे कोई वली है, चाहे वो कुछ भी हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी माँ ही की बदौलत है। वॉज द बिगेस्ट लॉस ऑफ माई मदर शाहज़ैन अली इज़ इनकम्प्लीट नाउ विदाउट हिज मदर। बट मैं अपने देखने वाले, सुनने वाले तमाम तर फॉलोअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी माओ से, सब मेरी माएँ हैं, मैं अपनी माओ को, देखने वाली माओ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि माँ की दुआ क्या अहमियत रखती है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वाज नॉट देयर इन द रावलपिंडी शो, मैं पार्टिसिपेट ना कर सका, उसकी रीज़न आप लोगों को मालूम है, लेकिन हाँ वो बड़ा सक्सेसफुल शो रहा। उस सक्सेसफुल शो की स्टोरी में मैं ये समझता हूँ कि मैं तमाम तर अपने उन भाइयों को जिन्होंने उस दिन विन किया, जितने मेरे दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया और उस शो में विन हुए, आई जस्ट रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेट्स यू ऑल, स्पेशली रॉक्सी, सुपर फीमेल। वंस अगेन आई सॉ इन वीडियोस, कॉन्ग्रेचुलेशन सुलेमान भाई, वाकई रॉक्सी पाकिस्तान कैनल क्लब PGSDC और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए शी इज़ द बेस्ट फीमेल, शान है वो पाकिस्तान की। एंड वंस अगेन अवतार सुलेमान भाई, बेस्ट एफर्ट्स, नाइस एफर्ट फॉर यू, वाकई जीत आपकी है, दोनों तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। ख़ास तौर पे इधर मैं ज़ुबैर भाई चीमा साहब जो कि ऑनर है द V1 डॉग, उसके बाद सुलेमान भाई, उसके बाद द थर्ड डॉग नुमान खान भाई, आप लोगों को वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी और ट्रू ब्रीडर्स की पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह ताला आपके शौक को इसी तरह परवान चढ़ाए और आप लोगों की हॉबी प्रमोट करते रहें। और ख़ास तौर पर अब मैं मेंशन भी करूं ऑलब्रिट शो को भी, बिकॉज देर वाज ऑन द अदर साइड फॉरन FCI की जज थी जिन्होंने एक्सीलेंट जजिस की, आई वुड लव टू थैंक्स बोथ ऑफ द जजिस बिकॉज बोथ ऑफ वर फिनोमिनल। एंड्रयू विनफो इज़ द स्टार, सीरियसली मैं इधर ये ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, एंड्रयू विनफो इज़ अ वेरी ब्रेव जज, उन्होंने पाकिस्तान में एक दफ़ा, दो दफ़ा नहीं बल्कि तीसरी दफ़ा आके ये साबित किया कि डैट ही हैज़ हिज क्लास, कि वो बार बार आए और जज कर सकें। एंड FCA जज जो है, जो कि शो जज कर रही थी, शी वॉज ऑल्सो गुड एंड फिनोमिनल। हाँ, स्पेशली डेविड भाई आपको भी बहुत सी मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इधर ये पता चलता है PKC और PGSDC हमारा जो क्लब है और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब की जो एफर्ट्स हैं वो कितनी लॉयल है। हमारे पास जिस क्लब से भी भाई आते हैं, तमाम तर क्लब जितने भी हैं वो पाकिस्तान के अच्छे क्लब्स हैं और हम वेरी मच वेलकम करते हैं सबको। और आप आए और आप जब पार्टिसिपेट किया, खेले, मैं समझता हूँ कि ये लॉयलनेस की इंतहा है, फेयरिज्म की इंतहा है कि डेविड भाई आपका डॉग डिज़र्व करता था तो उसको PKC ने अल्हम्दुलिल्लाह 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 उसको वो प्लेटफॉर्म दिया कि डैट ही वाज द बेस्ट वन इन द शो। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस डेविड इसहाक भाई, इट्स द विन ऑफ PKC एंड PGSDC एंड स्पेशली फॉर यू ऑल्सो, आपके साथ साथ ये जीत है इंसाफ की और ये जीत है बेहतरीन फैसलों की। और ये ही मैं समझता हूँ कि फ़र्क है और यही मैं समझता हूँ कि वो डिफरेंस है कि जो लोकल जजेस और फॉरेन जजेस में होता है, जब फॉरेन जज आता है ही गिव्स हिज ओन डिसीजंस, वो जो अपना फैसला देता है वो फिर किसी एक महसूस इदारे के लोगों के लिए नहीं होता, ही हैज़ नथिंग फ्रॉम एवरीवन। उस दिन, उस वक़्त, उस लम्हे पर उसको जो बेस्ट लग रहा होता है वो अपना बेस्ट देता है और वो अपने बेस्ट देने की कोशिश करता है ताकि उसकी जजमेंट से किसी को
एतराज ना हो। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीगर शो एंड अपकमिंग कासिफ शो, क्योंकि सीगर बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। मैं तमाम को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।